दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म छिछोरे 7 जनवरी 2022 को चीन में रिलीज की गई। इस फिल्म ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस फिल्म की रिलीज के बाद ही फिल्म के मुख्य अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। अगर आज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच होते तो उन्हें पता चलता कि लोग उनके कितने दीवाने हैं। बता दें कि लगभग 2.5 साल बाद फिल्म छिछोरे चीन में रिलीज हुई है और कोरोना काल में भी ये फिल्म चीन में तहलका मचाती हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक हफ्ते में इस फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, और वो भी तब जब ये फिल्म चीन में गिने चुने सिनेमा घरों में ही रिलीज की गई है। इन दिनों चीन में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। चीन में अभिनेता सुशांत को बेहद प्यार मिला है और इस फिल्म को देखने के लिए चीन के लोग वेटिंग में हैं। फिल्म का ऐसा रिस्पांस देखकर फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी बहुत ज्यादा खुश हैं। फिल्म छिछोरे ने इंडिया में 150 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था, साथ ही फिल्म ने यंग जनरेशन को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया था, जिसके चलते ये फिल्म साल 2019 की सबसे अच्छी फिल्म बनकर उभरी थी। लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म कोई बहुत बड़ा अवार्ड नहीं जीत पाई, और शायद इसी वजह से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन आज ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर धमाल मचा रही है। तो दोस्तों, आपको अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।